क्यों करते हैं मर्द ऐसा? आपकी 12 बज गए, आप ये कितने का है? कितने का है? 2000 रुपए का सूट है जी, ये चिकनकारी का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मैं सुबह के 3:30 बजे इतनी फ्रेश लग रही होंगी नींद से, हालांकि मेरी बुरी हालत हो रही है, मगर याया की तरफ से बहुत इत्मीनान हुआ है कि उनकी तबीयत सेटल्ड है। मैं अलहदा कमरे में हूँ, हर चीज़ उनके पास रख के आई हूँ, फ़ोन, मोबाइल चार्जर और फ़ोन ऑन है मेरा भी और निया का भी, हमज़ा का भी। तो इफ़ ही नीड्स एनी थिंग हिल कॉल अस। वैसे तो हम काफ़ी देर उनके पास बैठे रहे, मतलब पास नहीं, फासले पे, डिनर भी हम लोगों ने साथ ही किया उन्हीं के कमरे में। तो अब हम जा रहे हैं सहरी पे, होटल की सहरी, बल्कि जब से मैं आई हूँ ये पहली सहरी है, कल तो मैंने सहरी की ही नहीं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना लॉबी में जा के सहरी करें, मैं, अनिया और हमज़ा। तो हम तीनों जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, क्योंकि अनिया कह रही है अभी मैं हमज़ा को उठाऊंगी, तो हमज़ा को उठाना तो बहुत मुश्किल है। इसी तरह हया की भी यही कंप्लेन होती है कि तलहा को उठाना बहुत मुश्किल है। क्यों करते हैं मर्द ऐसा, जल्दी उठ जाए करें रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बीवियां ख़राब करती हैं वैसे, इतनी लाडियां कर कर के थोड़ा उनको रिस्पॉन्सिबल किया करें। दे शुड फील कि अगर हमें उठना है, हमारा काम है, तो हमें जाना है। तो खैर, दे कांट हेल्प इट, हया भी हर 5-5 मिनट में उठा रही होती है तलहा को, उठ जाओ उठ जाओ, हॉस्पिटल जाना है। और हमज़ा की तो नींद बहुत गहरी होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, विच इज़ अ ब्लेसिंग ऑल्सो, ये उनको पता है जिनको नींद नहीं आती। तो जी हम निकल रहे हैं अभी, मैं वेट कर रही हूँ नॉक मेरे कमरे पे जैसे ही होगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ टाइमली हम सहरी कर लें, उसके बाद आके दांत वांत ब्रश करें, स्किन प्रिपेयर करें, क्लेंज करके मुंह हाथ धो के नमाज़ पढ़ के तो फिर सो जाएं, क्योंकि मेरी कल भी बिल्कुल नींद नहीं हुई थी। आज मैं इफ्तारी से कोई 2 घंटे पहले सोई, फिर इफ्तारी पे निया ने मुझे उठाया। शाम की नींद वैसे भी बड़ी डिस्टर्बिंग लगती है मुझे, यू नो, उस जितना भी सो लो उसके बाद आपकी तबीयत बोझल सी रहती है, तो लगता नहीं है कि हमने कोई नींद की है या रिलैक्स हुए हैं। तो चलें आपको दिखाती हूँ इनके सहरी के ऑप्शंस क्या क्या हैं। इस वक्त कुछ ज़्यादा तो नहीं खा सकते, बट विल सी द बेस्ट ऑप्शंस टू पिक। हम दोनों माँ बेटियाँ जा रही हैं, हमज़ा तो अभी सो रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ऑमलेट बनवाए, बाथरूम में है तो बनवाएं, तो हम फिर ही विल। व्हाट आर यू गोइंग टू ईट? अगर इधर से जाओ फिर माँ की तो सुननी नहीं। हम माँ बेटियाँ पहुँच गए हैं डाइनिंग हॉल, और चमचों और बर्तनों की आवाज़ें शुरू हो गई। भूख तो कोई इतनी ख़ास नहीं है, बट ये है कि ऐसे अच्छा है सहरी में कुछ खा। अनिया टी फॉर मी प्लीज। अच्छा ये बेक उस पर ब्राउन टोस्ट दो। हाँ दो दो दो। Sausages, eggs, another good option.
कॉलेज का एक फोन में जरूर था। चने, पराठा, आलू। तो पहले ये खाऊंगी ना, हो सकता है तो उसकी नौबत ही ना आए। हमजा नहीं आया अभी। यू आर हैविंग टू लिटल, हैव अ सिप ऑफ लस्सी, बहुत रिफ्रेशिंग है। ये नाश्ते में इतना तैयार हो के आते हैं, मेरा जूता देखो, मेरे जूते देखें, ये देखो सेम आप ही का बेटा है वो। मेरी चप्पल रह गई थी गाड़ी में। अच्छा बताओ, मम्मा अली के अंडे भूल गए, बताना। टाइम नहीं है अब। तुम सीरियस हो कि मजाक कर रही हो? मजाक कर रही हूं, मजाक कर रही हूं। तो हमजा क्यों हैरान हो? व्हाट हैव यू डन टू माय वाइफ? ऑलवेज ड्रिंक टी अली। हाँ झूठ बोल रहे हैं यार। बटर टोस्ट के साथ में चाय नहीं पीती घर पे हर बटर रोज। टोस्ट खाती कितनी दफ़ा तुम? हाँ चाय पापे नहीं खाती कभी, हमेशा चाय रस्क होता है, रस्क नॉट पापे। कराची वाले पापे कहते हैं। नो, सही वर्ड होता है रस्क, अंग्रेजी का होता है, हम पापे की बात कर रहे हैं। आया बट्टा बर्गर। हाँ चलो मेरी चाय दे दो मुझे। ये बच्चे हैं, दो बच्चे हैं हमारे पास। बच्चे ही हैं मम्मा? हाँ बच्चे ही हैं, मैंने क्या कहा। छोटे छोटे से, छोटे छोटे से माशाल्लाह। हाँ यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये इस तरह का जो आता है भाई, अभी सहरी हो गई और हम तीनों जो गपशप कर रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला, पूरा हॉल खाली हो गया। फिर हमने कहा नमाज ही ना चली जाए तो हम लिबर्टी बाद मॉल भी चलेंगे। हाँ आज तो डैडी बेहतर है, आज जा सकते हैं ना। अभी तुम बोल रही थी कि जल्दी आज जाएंगे इंशाल्लाह। मम्मा हम लोग जल्दी चले जाते हैं ना, हम लोग 10 बजे तक 11 बजे तक चले जाते हैं। खुल गया होगा? हाँ 11 बजे खुल जाता है, रमजान है बेटा। तो रमजान में खुल जाता है 11 बजे। चलो ट्राई कर ले, ठीक है ना। तो तुम्हें तो इतनी जल्दी से तुम नहीं जाओगे तब तक, तुम डैडी के साथ सोते नहीं, अगर इसकी नींद पूरी होनी। नहीं नहीं तुम सोते हैं, डैडी उठते हैं, डैडी उठेंगे आराम से 2 बजे तक। तो फिर नहीं, अगर तुम्हें जल्दी कर सकता तो मैं जल्दी हुआ कि नहीं? तो डैडी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते ना कि कोई एक्सेसिबल ना हो वापस आने के लिए। यार इतनी छोटी लिफ्ट है। ट्रे आगे कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर से मैं घड़ी देख रही हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, आप तो तैयार हैं? वालेकुम अस्सलाम। 12 बज गए हैं बेटा, 12 बज के 5 मिनट हो गए। आपकी 12 बज गए? आप कब उठी हैं? आपकी आंखों से लग रहा है आपको जल्दी इतनी नहीं उठी है, अभी कोई 10-15 मिनट पहले ही उठी। मैं 12 बजे उठी, उठ के डैडी के पास बैठी जाके, वहाँ उनसे गपशप की। फिर वो कह रहे हैं कि नाश्ता करते ही ना मुझे कुकी चढ़ गई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप सो जाएं। भी कुकी चढ़ गई। मैंने कहा आप सो जाएं, मैं भी सो जाती हूँ। अनिया तो उठी नहीं, मैं तो उसके लिए उठी हूँ 12 बजे। उठा देती मुझे आप। मेरे पास भी सेम आउटफिट है शाकी। कौन सा वाला? ये इतने। I have the same one. ये वाला ना? Yeah. It's very smart and very comfortable. इसके कपड़े में self print है। Yes. मैं आपके पास पहन के भी आई थी कराची। आपका white dupatta तो हड़पने का मेरा ही रहता था, तो आपने ले लिया? नहीं नहीं ले लो, इसके साथ काला है मेरे पास ना। मैं देती हूँ आपको, मैंने कर लिया। वैसे ही मेरा नमाज का है, मगर ले लो। I have 3-4 like this. Okay. Mr. Siddiqui. How are you? You are looking nice. Thank you. Where are you going? We are going to Liberty Market. आपने कल कहा था ना जाओ, तो हमजा आपके पास है, मैं और अनिया जा रहे हैं। आप दोनों ससुर और दामाद गपशप कीजिएगा।
फिर अभी अहमद भी आ जाएंगे, वो अहमद लेके आएंगे। इतना फ्रूट भेज दिया है, कहीं बदहजमी ना हो जाए आपको। अच्छा किया, कमरे से खुशबू आ रही है। मैंने अभी बॉडी वॉश ली है, बाल धोने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सो आई डिड इट। हाँ, धूप में कहाँ बैठे हैं? अच्छा, चले वो एक दिन दो दिन तो आउटलेट अच्छा है हो उसी, बिकॉज एवरी आउटलेट ऑफ योर बॉडी इज लेटिंग द रेडिएशंस गो। ठीक है ना, चले। अल्हम्दुलिल्लाह, या इज़ मच बेटर। आज शावर भी किया है उन्होंने और फ्रेश लग रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग थिंग टू सी। एंड बस ये है कि हम पड़ोसी बने हुए हैं आजकल, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन अ सर्टेन डिस्टेंस। लेकिन ये मेरा सोफ़ा यहाँ पड़ा हुआ है 3 मीटर के फासले पे, तो मैं थोड़े थोड़े देर के बाद आ जाती हूँ इनके पास। कल ये सोच रही थी कि इस तरह की सिचुएशन बड़ी ऑड हो जाती है कि जब आपको इस तरह किसी अपने के लिए परहेज़ का या फासला रखने का या दूर रहने का कहा जाए। अक्सर लोग माइंड भी कर जाते हैं कि मेरी औलाद होने का क्या फ़ायदा, मेरे अपने होने का क्या फ़ायदा, अगर इस तरह मुझसे दूर रहना है, डॉक्टरों ने कहा है तो क्या हुआ। तो आई फील के औलाद के लिए और अपनों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है ये चीज़ अगर कोई इस तरह की डिमांड करे। क्योंकि आप ये देखें ना कि अगर आप ठीक रहेंगे तो आप अपनों का ख्याल रख सकेंगे, तो अगर कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है तो अव्वल तो किसी को चाहिए ही नहीं कि उसको इनक्रेज करें। अब या बार 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 हमें यही हॉस्पिटल से कह रहे थे, मुझसे दूर हो जाएं, मुझे हाथ ना लगाएं, मुझे ना पकड़ाएं। मैं पानी की बोतल पकड़ा रही थी, कहते नहीं आप यहाँ रख दें, दूर जाएं, दूर जाएं। तो आई नो कि इनको कितनी हमारी कंपनी चाहिए, इनको कितना अकेला रहना बुरा लगता है, मगर फिर भी ही वॉन्टेड अस टू बी सेफ़। तो ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है और दूसरों की ज़िंदगी, फैमिली की बहुत आसान हो जाती है अगर आप इस तरह की अप्रोच रखें, अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखें कि आप एक दिन की दो दिन की बात है और उसके बाद एवरीथिंग विल बी द सेम एज़ बिफोर। तो एहतियात ज़रूरी है, करनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ज़रा सा भी चांस लेना जो है वो फिर आपको हो सकता है, खुदा ना खास्ता, इस काबिल ना छोड़ें कि आप उनका ख्याल रख सकें या आप उनके लिए अवेलेबल हों या एक्टिवली उनके काम काज कर सकें। सो इट्स ऑलवेज़ गुड टू बी पॉजिटिव एंड टू अंडरस्टैंड कि चीज़ों को किस तरह होना चाहिए। सो आई एम इम्प्रेस्ड। या अगर आपको बुलाना करे, किसी ने मना किया है आपकी वजह से, किसी का नुकसान हो सकता है, तो आप उसकी हिफाजत करें, ना ये कि आप अपने गर्जी करें अपने लिए और दूसरे को उसको तो तकलीफ दें। तो ज़्यादा ये है कि इसमें समझने की बात है, प्यारों से प्यार करते हैं, औलाद से, बीवी से, लोगों से, दोस्तों से, आप उनको वो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक वो फिर कहते हैं मुझे करीम पे भेज दें, जो कि हम कर सकते थे अगर डॉक्टर मना करते तो हम यही करते, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने ये अनिया से कहा था, मैंने कहा था कि या हमज़ा के साथ पीछे बैठ जाते हैं गाड़ी में और हम दोनों करीम पे चले जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर 10 मिनट के फासले पे आपकी डेस्टिनेशन है तो फिर कोई मसला नहीं, आप लोग एक ही गाड़ी में जा सकते हैं। हम लोग वहाँ से फिर एक ही गाड़ी में आ गए। या वांटेड कि हम इंटरलिंक्ड रूम्स ले लें, मैंने वो भी कोशिश की, लेकिन इंटरलिंक्ड रूम्स में अनिया ने एक बहुत बड़ा पॉइंट, डॉक्टर है ना, रेज़ किया। उसने कहा कि डैडी आप ये कमरा छोड़ेंगे, यहाँ पे आपकी रेडिएशंस हैं, तो फिर यहाँ जो सफाई करने आएगा उसको नुकसान होगा, फिर अगले कमरे में जाएंगे, तो आप एक दो दिन बस ऐसे ही बर्दाश्त कर लें। इट्स नॉट सेफ फॉर अदर्स कि हम इस तरह रूम्स चेंज करते रहें। तो विच वॉज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, इसलिए हमने रूम नहीं चेंज किया। और वैसे भी हम लोग करीब ही हैं, एक कमरा छोड़ के मैं हूँ और मेरे बिल्कुल सामने अनिया है, तो बिल्कुल
और याया का दरवाज़ा जो है वो हमने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, फ़ौरन खोला और आ गए ताकि उन्हें उठ के आना ना पड़े। तो बस हम वेटिंग फॉर अनिया, जैसे ही वो आती है तो हम निकलते हैं। एंड मेरी हसीना प्यारी बेटी, ये क्या पहना है? कपड़े ये बाटिक का है लेकिन बहुत पुराना है। बाटिक की कमीज़ है, खाड़ी का ट्राउज़र, इमेज का ट्राउज़र है, मेरी अम्मा का दुपट्टा है। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। चले गालों से मिल, इतनी प्यारी है तो उसको जल्दी पहनने के लिए अच्छी लग रही। शॉपिंग गैंग इज रेडी टू लीव। वैसे हमने लेना क्या नहीं है? नहीं, मुझे तो बस शौक है देखने का, इसलिए मैं जा रही हूँ। शौक है देखने का? मतलब मुझे मेरे बहुत, तो टीवी पे देख लो। टीवी पे कहाँ से मैं लिबर्टी मार्केट देखूँ? आ जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब लाइव जाके देखने। आप क्यों जा रही हैं? मुझे तो कुछ पसंद आ गया तो फिर डैडी ने काय ले लेना। तो मैंने अपने आप को काय ले लेना। ये छोटी लिफ्ट में क्यों जाती हो? इट्स वेरी सफोकेटिंग। जो बात मैं और याया कर रहे थे वो मैं अनिया से ओपिनियन लेती हूँ। अनिया प्लीज़ फोकस ऑन योर ड्राइविंग ऑल्सो। तो एक बात मैं और याया बैठ के कर रहे थे, वही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। मुझे ये बताओ कि ये जो पेरेंट्स पे ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई आपको दूर रहना है, टच नहीं करना, परहेज़ करनी है, इन्फेक्शन लग जाएगा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह याया हिमसेल्फ वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने ख़ुद कहा कि नहीं मुझसे दूर रहो, मैं डिस्टेंस रखो, और वो ख़ुद हमें ये इनकरेज कर रहे थे कि हम उसको ऑबे करें। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं या फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को माइंड करते हैं, ऐसे में औलाद को क्या करना चाहिए, औलाद को या जो भी करीबी लोग हैं? उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से कि ये यू नो प्रॉपर, अगर आई एम श्योर साइड इफ़ेक्ट सही से बताएंगे। लाइक अगर कोई इसी तरह की सिचुएशन में, जिस तरह की सिचुएशन में डैडी हैं, एंड यू टेल देम कि यू नो डैडी मुझे आगे जाके इसकी वजह से खुदा न खास्ता कैंसर हो सकता है, किसी और को हो सकता है, तो वाई वुडंट अ पेरेंट अंडरस्टैंड इफ़ देयर समथिंग, यू नो, दो तीन दिन के फासले से उनके आसपास के लोग और करीबी लोग और रिश्तेदार और प्यारे जो हैं वो इतनी डेडली बीमारियों से बच सकते हैं, तो वाई नॉट। हाँ, होना तो ही चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं। बिकॉज मैंने पीक कोविड में जो काम किया हुआ है, आई हैव सीन कि जब कोविड के पेशेंट्स की डेथ होती थी तो लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट प्रेफर गोइंग टू देयर फ्यूनरल्स, बिकॉज तब इतनी अनसर्टेनिटी थी, स्टडीड नहीं था, इतने लोग मर रहे थे, हमारे सामने कितने लोग मर रहे थे, तो यू नो अगर जाते भी थे तो दूर दूर से यू नो बस ताज़ियत करके आ जाते थे। तो इस चीज़ को बहुत लोग माइंड करते थे और इसके ऊपर बहुत लड़ाइयाँ देखी हम लोगों ने, एंड वी हैव सीन फैमिलीज लिटरली ब्रेक अप ओवर दिस स्टफ। बट मतलब मेरे घर में अगर मैं नहीं जा रही किसी के पास, ही प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही, तो इसलिए कर रही हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज आई हैव पेरेंट्स एट होम टू दैट आई डोंट वांट टू रिस्क। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो थे वो अक्सर, मैं स्टोरीज और वो देखती थी कि जो पोस्टिंग कर रहे होते थे वो यही कहते थे कि भाई एहतियात इसलिए करें, अपने लिए ना करें, आप तो दिलेर बन रहे हैं, शेर बन रहे हैं, कोविड के ज़माने की बात कर रही हूँ, लेकिन यू हैव फैमिली एट होम, आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो वो आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनकी खातिर ही एहतियात कर लें। तो एनीवेज़ ये मेरे जहन में एक थी बात, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी। आप लोग भी सोचिएगा और ओपन हार्टेड रहें थोड़े इस मामले में, जिस तरह आपके अपने आप से प्यार करते हैं आपकी औलाद, आपके आसपास के लोग, उसी तरह आपको भी थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए इस मामले में कि उनकी सेफ्टी का ख्याल करें। पार्किंग तक तो पहुंच गए हैं, सब बंद लग रहा है। मम्मा थोड़ा खुला खुला भी लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ कुछ खुला। चाट तो खुली होगी, इफ्तारी के लिए ले जाएंगे। इफ्तारी के लिए हमने वापस आना है, मुझे इफ्तारी भिजवा रहे हैं कोई। ओह यस, अहमद को मना कर दो। यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है, ये पूरा लाइन में है ये मार्केट। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से धुए हुए हैं क्योंकि वो भून रहे हैं। कोई शक्कर कंदी है अनिया? क्या करूँ रोते में? नहीं ले लो, सारी के बाद खाना। गरम गरम आपको खाएंगे, कौन सा दूर था। शक्कर कंदी तो मैं इस्लामाबाद में नहीं मिलती ना, बहुत कम जगह। ये कितने की है? वाइट वाला जो सूट है 1800 में।
अच्छा ये 1800 का अगर आप 2 पीस लेंगे 25 का मिलेगा सिंगल के साथ 18 में। ये जी पाकिस्तान में वन ऑफ माय वेरी पसंदीदा ब्रांड्स बैग है। अच्छा ये वाला क्या प्राइस है इसकी? 4,500। इसमें दो कलर हैं ग्रे और ये। जी इसमें दो कलर। अच्छा 4,900 की। ये मैम 4,500। इसमें दो कलर। ये भी 45 के। ये 55 जी 55 की। और ये कैजुअल्स में? जी ये मैम कैजुअल्स फॉर्म। ये इसमें नए कौन से आए? इसमें ये चीज़ न्यू वाली है। ये सारे न्यू है। ये न्यू ऊपर वाले रोज सारी न्यू। ये चीज़ न्यू ये वाला ये चीज़ ये सब नए हैं जी। हमारे जो लेटेस्ट मुझे बताएं जो आजकल में आए। जी लेटेस्ट में बता ये सारे ही। हाँ जी मैम हमारे जो होते हैं जो पुराने तो वो डिस्काउंट में लगाते हैं 45-50% ऑफ। कितने पुराने? 1 ईयर का होता है। लास्ट ईयर के जो होते हैं वो डिस्काउंटेड होते हैं। ये भी 45 की है जी मैम। ये रबर सोल में होती है। फ्लैट्स के लिए 45 इसका ज़्यादा लग रहा है। कोई इनके बीच के नहीं है ईद के हिसाब से हों जो? ये तो बहुत फॉर्मल है। ये चीज़ देख सकते हैं ईद के हिसाब से ये चीज़ें। This color is nice. ये कितने का है? 8,900। उनको तो आप आ गए ये भी नहीं है। इसकी क्या प्राइस है? 89 जी 8,900। ये देखें इसका लेदर यहाँ से भी हुआ पावल से लगा हुआ था। स्टफिंग जो होती है ना वो होती है वो आपको फ्रेश मिल जाएगा। वो कुछ नहीं मगर ये क्या है ये तो स्टफिंग जो होती है ना जिसमें पैर होते हैं। हाँ लेदर तो नहीं होता। नहीं लेदर नहीं है। मैं आपको वो चेक करवा दूंगा। न्यू पैर दूंगा ना आपको। ये तो है बहुत मुश्किल से उतरेंगे। नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब जैसे ही बनाया तो बैठ था तो मैंने ऊपर ही वो लगा दिया स्टफिंग तो उसकी वजह से। इंसिग्निया पे मुझे एक जूता बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो मेरा ईद का हो जाएगा। फिर भी कहे कि चलें उतार के रखें हम लोग अभी आके देखते हैं। जब तक हमारा वो हाथ में ख़ारिश हो रही थी अन्या को 786 चार्ट प्लस वो आतिफ अंकल की याद कर लेना बाहर की चाट खाने से पहले। मैं तो नहीं खाती। हाँ आई डोंट लाइक। हाँ मुझे भी फ्रूट चाट स्पेशली चना चाट फिर मैं खा लेती। फ्रूट चाट तो भिजवा रही हैं अहमद भाई की वाइफ। अच्छा भिजवा रही हैं। अच्छा ठीक है बना ली तो ऑलरेडी। ये देखते हैं नीडल क्राफ्ट देख लो।
खुस्सों की भी दुकान है यहाँ पे, और लाहौर के खुस्सा तो बहुत मशहूर है। ये मुझे वो उस टाइप की दुकान लग रही है जैसे मैंने वहाँ गल्फ में, ये सिर्फ शर्ट है 3550 की। जी मैं अच्छा ये क्या है? लहंगा। अच्छा ये कितने का है? 8500। कभी नहीं, एक दुकान है मुझे पिंक वाला विलियम सिले कपड़े, कितने का है टू पीस इसका? 1800 में। दुपट्टे का क्या करें? ट्राउजर शर्ट है सिर्फ। अच्छा और ये जो लिनन है कौन सा कपड़ा है? ये भी लॉन है टू पीस और आल है 1800। और ये कितने का है? 1800। ये 1800 ये वाला कपड़ा दिखाना ऊपर वाला। कितना हो जाएगा फाइनल? 1500। तुम्हारे पास इससे कम होता ही नहीं, हम सारा दिन सेल करते हैं। वो वाला एरिया जहाँ हम आए थे, ये गली में अंदर और उसके साथ फिर वो ज्वेलरी मार्केट। कितने का है? 2000 रुपए का सूट है जी, ये चिकनकारी का। बहुत प्यारा ट्राउजर भी। कपड़ा क्या है ये? ये चिकनकारी लॉन कॉटन है। ये क्या साइज है? ये स्टैंडर्ड साइज है। हाँ बहुत प्यारा। सो मेनी कलर्स। ट्राउजर देख लो यहाँ से, ये फटने वाला नहीं, सही है। ये तो सारे येलो हैं इधर, पर्पल। ये जो आपके हाथ में यही बेस्ट है या ब्लैक ले लो? हाँ ये आपके पास है? नहीं है। कलर दिखाओ, मैं आपको कलर दिखाऊं कि आप इधर देखिए ऐसे कलर है। ग्रीन भी अच्छा। आप नोट कीजिए, ब्राउन है, ब्राउन है, ब्लैक है, मस्टर्ड है, ये कलर ज़रा चेक करें। ब्राउन कौन सा है? पहले ये इनमें से ओके कर दो कि उठा दो। हाँ ये नहीं, ये ब्राउन, ये दिखाइए वापस करें। ये अनिया, ये वाला ब्राउन, ये पकड़ो। हाँ ये ब्राउन देख लें, चेक कर लें। ब्राउन ये मैडम है मेरी, अगर ये दिला देंगे तो मैं ले लूँगी। ब्राउन वाला चाहिए आपको? बताएं ना, सीरियसली मम्मा। बाजी बाजी एक बार ही चलाया, मेहरबानी नहीं होनी। ये कितने का सूट है? 1500 में जी। साड़ी का डिजाइन दो पीस है, थ्री पीस। दुपट्टा दिखाइएगा इसके साथ का, ये दुपट्टा है और साथ इसमें बहना ये वाला मैरून कलर और जी ब्लैक कलर। अच्छा कपड़ा क्या है? लॉन। ये इसमें पैकेट वाले हैं ये? हाँ जी पैकेट्स हैं ये। मिल जाएंगे इधर सारे कलर, और ये कपड़ा भी अच्छा है। नहीं नहीं दुपट्टे कहाँ हैं? दुपट्टे भी मिल जाएंगे, ये साइज है। नहीं ये नहीं चाहिए, दुपट्टा दिखा। 1500 के दो हैं जी मैम। कैजुअली घर पहनने के लिए फ्री साइज है, लार्ज और मीडियम दोनों का आती है। इसके कलर्स भी मिल जाएंगे आपको, ये वाला ब्लैक, ये दोनों ही अच्छे हैं, ये नेवी ब्लू भी अच्छा है, रेड कलर है चुनरी में, ये वाला कलर है फ्रोजी कलर, मस्टर्ड कलर है, ये मेहंदी कलर है। एक ही मेहंदी दे दे, एप्पल ग्रीन है, और ब्लैक कलर है, ब्लैक अच्छा, ग्रीन कलर है, पर्पल कलर है। एक वो मेहंदी वाला दे दें, और एक ये ब्लैक के पीछे जो ये सही है। अच्छा सेम लग रहा है ब्लैक। मैं भी एक नहीं, ब्लैक मेरा मेरे पास है, मुझे चाहिए मुझे नेवी ब्लू दे दें। नेवी ब्लू इधर दे देंगे, ये वाला, ये हाँ ये दे। 1500 के दो। आपने इनके साथ दुपट्टे करने? कितने का है दुपट्टा? दुपट्टा 650 का है, आपको 600 में मिल जाएगा चुनरी का दुपट्टा। दिखाएं। अच्छा अभी तो शुरुआत है। चुनरी वाले बहुत प्यारे थे, दुपट्टे मुझे बहुत अच्छे। हाँ दुपट्टे बहुत अच्छे मैच हो गए। चुनरी वाला नहीं, मैंने कलर इस तरह के मैच करनी है कि मुझे मिला ही नहीं कोई।
हमने कहा इस गली में जाना है, आ जाओ। अब मुझे याद आ गया यहाँ पे ये चाट की और गोलगप्पे। हाँ हाँ ये है वो गली जो अंदरून में चने वाली चाट, ये भी मैंने खाई थी लास्ट टाइम जब आई थी। ये कितने का है? 8,000 का। ये कितने का है? दुपट्टा भी ऐसा? ये 1500 के दो, नहीं 2 पीस है बच्चे, 80 इंच दामन है। 80 इंच? अच्छा, ये तो 4-6 कलियों वाला है, 8 कलियों वाला है बच्चे। हाँ कहाँ पे ये वाला? चलो लेट्स गो। माय गर्ल लाइक्स चिकन करी अ लॉट। माय गर्ल्स फेवरेट फैब्रिक चिकन करी। I was thinking of getting a Vishwas made instead of just buying that. मेरे दर्जी बहुत जल्दी सी देता है, टेलर मेड हो जाएगी। किसके लिए विश्वास लेनी? किस ओकेजन के लिए? हाँ ओकेजन होना ज़रूरी है। फिर ईद के लिए? नहीं ये इसमें विश्वास नहीं बनेगा, नहीं लाइनों में विश्वास नहीं बन सकती। आपको एक प्रिंट लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी कलियाँ आड़ी कटती है ना, तो लाइनों में बॉर्डर है। इसका बॉर्डर बन सकते हैं मगर कलियाँ नहीं कट सकते, बॉर्डर लगा हुआ चौड़ाई में कट सकते हैं उसको। फिर देखो बैलेंस करना, मैच करना। ये देखो कैसी वो लग रही है, बीच बीच में इनको फिल करना पड़ेगा। गिफ्ट मेरी प्यारी के लिए, वाली शॉप जो है ना वो है जरा महंगी ज्वेलरी टाइप की, फिनिश ज्वेलरी। चिकन चिकन कौन सा चिकन? अच्छा चिकन कपड़ा जी। ये कितने का है चूड़ियों का सेट? सारे 500 के। ये वाला ये भी सेम प्राइस, एक ही सेट है ना? जी इसमें साइज भी मिल जाएंगे ये वाइट बट्टा। कौन सा वाला? ये वाला पल्स के साथ है, पल्स के बगैर ले लेंगे 25 का। 25 तो पर्स वगैरह है, तो पर्स वाला पर्स के बगैर 25। और ये ब्लैक वाला ये भी 25। 1000 का है कराची में गलत है, चारों तरफ से नहीं है ना बॉर्डर। हाँ माई चिकन कारी लवर। टू पीस है, थ्री पीस है? ये टू पीस होते हैं, अभी खाटी है, खाटी है, टू पीस है। 2500-3000 दो रेट है। ये पीछे लगे हुए हैं जो जी, तो इसके नीचे तो शमीज भी चाहिए इसके नीचे। आप पहले फैब्रिक तो चेक करें, अभी शमीज तो जाहिर बात है लोन के नीचे तो चलती है ना। ये है देखो इस तरह की ज्वेलरी, नहीं नहीं हैवी टाइप के। आई डिडंट गेट दिस हैवी बट सी दे हैव द स्मॉलर वंस टू। ये छोटा सेट कितने का है? ये 4500। और ये क्या चांदी में? नहीं ये मेटल में, 1 कैरेट जिसको कहते हैं। हाँ। चीज़ है कि 100 रुपये डिज़ाइन है।
टेसोरो की कॉपी है तो इतनी कोई स्टॉक नहीं है इनके पास। No one's there in this shop. Anya, look at those shirts. You like chicken curry? उससे तो कम ही है जो आप देख रहे हैं। नहीं, करें एक विश्वास बनवा लें। उन्होंने ली थी वहाँ से लॉरेंस से 15,000 की थी 3 पीस तो अगर बिल्कुल तो वो आपको सस्ती पड़ेगी सिलवाने से। आई डोंट नो ना। हाँ ये देखो लुक मगर हाँ ये इसमें नहीं पता क्या इसमें ये कि अगर शॉर्ट शर्ट बना लो प्लेन के साथ तो वो फिर ये कि ये ज़रा बहुत सोफिस्टिकेटेड अच्छा लगेगा। मुस्कुराओ। हाँ कितने का आखिरी? 25,000। चलो दे जज़ाकअल्लाह। ये कितने का है दुपट्टा शर्ट? ये 6,500। 6,500 का। और शमीज़ वगैरह नहीं है साथ? और ये वाला? ये 8,000। इसका दुपट्टा भी है? मुझे पता नहीं है ये बंद है। अच्छा बाकी सब बंद है? हाँ जी ये मेरी कपड़े की अंदर है, मैं कह रहा था ना अंदर शॉप है। हाँ हाँ आज भाई स्टॉल। चलो मेहरबानी तुम्हारी, थैंक यू। लग तो नहीं रहा इस वक्त, तो लग रहा है इन्हें रोज़ा लग रहा है। कितने के? ये 2500 के बजे। नहीं बिल्कुल फाइनल करके बताएं जब। तो दे दीजिएगा। देखो एंड ये वाले भी दिखाएगा। हाँ चाहिए था थोड़े के साथ। उसका गोल्ड का कलर है? उसका सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। तो फिर ये सिल्वर बहुत प्यारा है। सिल्वर में टॉप दिखाऊंगा ये वाले पिंक के साथ। ये और भी है इनमें डिज़ाइन दिखा दो। इनको चाहिए पिंक और सिल्वर। ये क्या प्राइस है उसकी? सेम ये 3500 के बाद। नहीं नहीं वही प्राइस है। ये रोडियम प्लेटिंग है बाजी, सारी माइक्रो फिटिंग है। नहीं बिल्कुल फाइनल करें। रिले 28 दे दीजिएगा बाजी। चलो बस ठीक। इसका नहीं ये ले लीजिए। आपकी दुकान का नंबर क्या है? 173G 173G लिबर्टी प्लाजा। लिबर्टी प्लाजा 173 जी। जवाहर आपके नाम से भाजी, आपको मैं कार्ड दे देता हूँ। अच्छा तो इनकी प्राइसेस अच्छी हैं। रोजा ने जोड़ा दिलाया नहीं तो मैं उसके साथ कैसे जुड़ रही हूँ। ये ले। तनु कौन डांट रहा सी हसन? ये कोई भी नहीं डांट रहा। मनु आवाज आ रही सी। हैं? कोई भी नहीं डांट रहा मुझे। This is for 4,500. I'm thinking of getting it. इनमें मेरे पास दो तरह की क्वालिटियाँ पड़ी हैं। ये बाजी ब्लैक नहीं होगा। ये फाइनल कितने की हो जाएगी? ये ले लें, 3 में दे दूँगा। कितना टाइम रह गया सारी में? About 45 minutes. बस आई थिंक वी शुड मूव। इसका कौन सा दुपट्टा? दुपट्टा इसका बस ऐसे ही दिखा दें। ये वाला ये बॉर्डर इसके साथ बॉर्डर आएगा। ये कितने का है 2 पीस? ये आपको 8,500 का मिलेगा शर्ट दुपट्टा। चलो थैंक यू। दुनिया के बस में होना तो चिकन कारी से इसका वार्डरोब भर जाए। चाहिए ये तो 2 पीस भी बन जाएगा। फिर कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। एड्डा अच्छा तुसी गाना लाया।
की ए यार बड़ा कलर बढ़िया बढ़िया लगा ढूंढिया कलर बाजी बेटा ए मन्नू भी बड़ा पसंद है बैग 1000 की थी ना भाई 1000 की थी ये इस साइज का है जैसे चार तो कर दिए रंग मुझे नहीं पता ना आप ये वाइट वाइट अभी कोने में थोड़ा सा लगा हुआ लेकिन चले दे देंगे वाली वही 40 साइज है ना हाँ जी मैम वो 40 साइज है बस इंसिग्निया पे मुझे वो जूता अच्छा लगा था वो मैंने ले लिया दैट्स 8900 एंड वो मेरा ईद का जूता हो गया और जी वी आर डन वेरी क्विक एंड वेरी रैपिड जो हमारा ये रहा है शॉपिंग सेशन एंड डिस्कवरी सेशन एंड वी आर गोइंग बैक टू द होटल बिकॉज अनिया की एक जो क्लाइंट है वो इफ्तार लेके आई है हमारे लिए गोरमे का